जम सीखी, खुदा की तारीफ और उसकी हमद हो दोस्तों, और खुदा का फजल और उसका इत्मीनान आप सब लोगों के साथ रहे और खुदा की बुजुर्गी और उसकी कुदरत आप लोगों पर ठहरी रहे इस ईमान के साथ कि यकीनन आप सब लोग महफूज हैं। और इन दिनों में जैसे कि कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ा है और शहर में लॉकडाउन की सूरत हाल भी हम सुन रहे हैं, और आप सब लोगों से गुजारिश यह है कि अपनी बहुत एहतियात कीजिए और जो SOPs हैं उनकी भी पासदारी कीजिए और मास्क का इस्तेमाल लाजम बना लीजिए ताकि खुदावंद आप सब लोगों को महफूज रखे और शाद रखे। और दोस्तों आइए डिवोशन का आगाज़ करें और अपने शरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएँ और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम बरहक है और खुदा तू ही जलाल का बादशाह परवरदिगार है और तू ही फजल और रहम का बानी है। खुदावन अपने जलाल और अपने फजल से हमारी इस निश्चित को कबूल कर, और खुदावन तू अपने लोगों को कसरत की बरकत दे जो इस वक्त तेरे खादिम की आवाज़ को सुनते हैं। खुदा तेरा रहम आ जाए, यस्सु के नाम में आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो दोस्तों, और वक्त है कि खुदा की बुजुर्गी और उसकी कुदरत में आगे बढ़ते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। और बड़े ही खूबसूरत गीत है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, और मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे और एक खूबसूरत गीत खुदा के हजूर नगमा सराई करेंगे। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं और मेरे साथ डिवोशन का हिस्सा हैं, ज़रूर अपनी आवाज़ों को खुदा के जलाल के लिए बुलंद कीजिए और मिलकर खुदा के सिताइश में एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाएंगे, यीशु का लहू मेरी शिफा है। प्रेज़ द लॉर्ड। Oh।
सच्ची और खूबसूरत हम्दोसना के लिए हम क्वायर के भी शुक्रगुजार हैं और सबसे बढ़कर खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमें बारहा ये मौके फ्राहम करता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, उसके नाम को मुबारक कहें और उसी की तारीफ करें। और दोस्तों, अब खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बहन मिस रुबीना मौजूद हैं, और आज हम अपनी बहन के वसीले से खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर साहब। आए हम खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ें नहमिया की किताब, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत। लेकिन ऐसा हुआ कि जब सुम्बलत ने सुना कि हम शहर पना बना रहे हैं, तो वो जल गया और बहुत गुस्सा हुआ और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदा उनके बुजुर्ग और बाबरकत कलाम की तिलावत का किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। और आइए अपने सिरों को खुदा उनके जोर झुकाएं और दुआ करें। कदूस मेहरबान आसमान जमीन के खालिक व मालिक, तो अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि खुदा तेरा फजल और तेरा रहम, तेरी बुजुर्गी और तेरी शफकत हम सबों की जिंदगी पर कायम रहे, यस्सु के नाम में, आमीन आमीन। दोस्तों, अभी हमने नहमिया की किताब उसके चौथे बाब की पहली आयत को सुना है, और अगर आपने बगौर इस आयत को सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त मेरे साथ इस डिवोशन का हिस्सा हैं, आपकी बाइबल मुकद्दस आपके हाथों में होगी, और सुस्ती ना किया करें, और जिनके पास नहीं वो भी जल्दी से अपनी बाइबल मुकद्दस अपने पास रखें, उसको पढ़ें, उस पर गौर करें, ताकि खुदा उन आप लोगों को बरकत दे। और जब हमने इस आयत मुबारक को सुना, तो इसका पस मंज़र बड़ा ही कमाल है। और पस मंजर क्या है कि एक तवील जिला वतनी के बाद, जब खुदा की जमायत यहूदी लोग जो हैं उनको जब कुछ आस और उम्मीद नजर आई, तो नहमिया की क़यादत में वो अपने शहर यानी यरूशलेम की तरफ चले। और जब वो यरूशलेम में पहुंचे, जो कि बहुत साल पहले जला दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, उसकी फसीलें गिरा दी गई और हैकल नीस्त और नबूद कर दी गई थी, और ऐसी सूरत हाल में जब वो वापस अपने शहर को लौटते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला टास्क और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या था कि उन्होंने एक तो शहर की फसीलों को तामीर करना था, और उसके साथ साथ खुदा की हैकल को नए सिरे से उन्होंने बनाना था। और जिस वक्त ये काम उन्होंने शुरू किया, तो दोस्तों ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि उनकी मुखालफत शुरू हो गई। और जिस वक्त ये मुखालफत शुरू हुई, तो मुखालफत करने वाले कोई और नहीं थे, कोई दीगर कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं थे, बल्कि उनके अपने ही पड़ोसी सामरिया के बाशिंदे थे। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, तो उन बाशिंदों में सुम्बलत और उसके साथियों का नाम जो है वो कभी मिटाया नहीं जाएगा। कभी हम भूल नहीं सकते कि सुम्बलत एक ऐसा शख्स, एक ऐसी ऐसा करैक्टर, एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जिस वक्त यहूदियों ने हैकल और यरूशलेम की फसील को तामीर करना शुरू किया, तो वो शख्स जो है वो जल गया, गुस्से में आया और यहूदियों का मजाक बनाने लगा, उनको ठट्ठों में उड़ाने लगा। और जब मामला यहाँ तक तय ना हुआ, तो फिर उनको संगीन नतीज की धमकियाँ भी देने लगा। तो दोस्तों, इस सूरत हाल को भांपते हुए नहमिया ने क्या किया कि नहमिया और उसके साथी फौरी तौर पर दुआ में झुक गए और खुदा से अपने लिए मदद मांगने लगे, खुदा से अपने लिए रहनुमाई मांगने लगे। और उस वक्त खुदा का कलाम बयान करता है कि उन्होंने मुहाफिज भी तैनात किए, कहीं ये सुम्बलत अपने साथियों के साथ मिलकर हम पर हमलावर ना हो जाए। लेकिन शबो रोज उन्होंने काम का आगाज किया और दिन रात डे नाइट वो शिफ्ट में काम करते रहे, और बिल आखिर 52 रोज के अंदर अंदर जो है वो यरूशलेम शहर की फसील जो थी वो तामीर कर ली गई। दोस्तों, इस कहानी से, इस वाक्य से अखस क्या करते हैं, सबक क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस वक्त हम खुदा का काम करने के लिए अपने आप को इक्विप्ड करते हैं, जिस वक्त हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम खुदा की खिदमत में और उसके काम में और उसके किसी ना किसी मिशन या किसी मंसूबे की तकमील के लिए काम करना शुरू करें,
तो याद रखिए कि ऐसे बहुत सारे सुंबलत जो हैं वो आज भी हमारी राह में रोड़े अटकाते हुए हमें दिखाई देंगे। जब भी आप कोई अच्छा काम, कोई मुनफरिद काम करना शुरू करेंगे तो बहुत से लोग जो हैं वो आपकी राह रोकने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग आप पर उंगली उठाएंगे, बहुत से लोग आपको डिस्करेज करेंगे कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता, और इस तरह के बहुत सारे जुमले, ऐसे बहुत सारी बातें और ऐसे ख्यालात हमारे सुनने को हमें हर रोज नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमें इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने दयानतदारी से खुदा के किसी भी मंसूबे और मिशन की तकमील का बीड़ा उठाया है तो याद रखिए कि जो कदम एक दफा खुदा की खिदमत में आगे बढ़ गया फिर वो कदम वापस नहीं हुआ करते, और जो शख्स उस कदम को वापस लेता है यकीनन वो खुदा के हजूर नामकबूल ठहरता है। और आज खुदा का कलाम भी हमें कुछ ऐसी ही सूरत हाल से आगाही देता है। अगर हम मुकदस पत्रस की मार्फत तहरीर किया गया पहला आम खत उसके पांचवें बाब को पढ़कर देखें तो वहां पर हमें अंदाजा होगा कि खुदा का खादिम यह बात बयान करता है कि हम इबलीस के हवाले से वो लिखता है कि इबलीस जो कि शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो यकीन कीजिए कि ऐसे बहुत सारे सुंबलत जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द, हमें कहीं दूर से उनको तलाश नहीं करना पड़ेगा बल्कि हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे बहुत सारे सुंबलत निकल आते हैं कि जब हम एक अच्छा अच्छे काम की बुनियाद रखते हैं, जब हम एक अच्छा काम करने जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि परेशान मत होइए उस तनकीद से, उस रवैये से, उस हर तरह की धमकी से जो कि खुदा के मुखालफीन आपके राह में रोड़े अटकाते हुए आपके हर काम को रोकने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ऐसे लोगों से खौफजदा मत हो, क्योंकि याद रखें कि खुदा का कलाम यह बात बयान करता है कि जिस तरह से माजी में सुंबलत और उसके साथियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आज भी हमारी जिंदगी में फैले हुए ऐसे बहुत सारे सुंबलत हैं जो हमें हर काम से, हर बेहतर काम से रोकने की कोशिश करेंगे। तो याद रखिए कि जो सुंबलत कल शर्मिंदगी उठाते उठाते इस जहाने फानी से कूच कर गया, आज के ये सुंबलत भी कभी खुदा के सामने टिक ना पाएंगे और ये कभी भी आपके सामने सुर्खरू ना हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं वो खुदावन के मुबारक और उसके चुने हुए लोग हैं। और खुदावन, यकीन कर लीजिए कि खुदावन आपके साथ है। कदम बढ़ाइए और बढ़िए आगे खुदावन के काम और उसके मिशन की तकमील के लिए। और जब हम सच्चे दिल से और ईमानदारी और दयानतदारी के साथ खुदा के प्लान्स को, उसके मंसूबों को, उसके मिशंस को पूरा करने के लिए कमर बांध लेते हैं तो याद रखें कि फिर खुदा जो कि लश्करों का खुदा है, जो रब्बुल अफवाज है, फिर वो खुद हमारी जंगें लड़ता और हमारे आगे आगे चलता है। और जिस शख्स के आगे आगे खुदा खुद चलना शुरू कर दे फिर उसको किस बात का खौफ और किस बात का खदशा। और मेरे दोस्तों आज भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं जिनमें कोई ना कोई सुंबलत हमारी राह में जरूर खड़ा होता है। और आज का पैगाम आप सब लोगों के लिए यही है कि ऐसे लोगों से घबराए बगैर, डरे बगैर, खौफजदा हुए बगैर खुदावन की दलेरी और उसकी जुर्रत लेकर आगे बढ़िए। खुदावन आपको बरकत देगा, खुदावन आपकी रहनुमाई करेगा और खुदावन आपके आगे आगे चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदावन बुजुर्ग आसमानी बाप, अपने रहम और अपने फजल से खुदावन हमें हिकमत और दनाई की रूह अता फरमा ताकि खुदावन हम सुंबलत की तरह ना बने बल्कि हकीकत में नहमिया और उसके साथियों की तरह अपना किरदार तेरे कलाम की मुनादी और तेरे मिशन की तकमील में अदा करते रहें। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूरवार को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा, हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन।
और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उलमुकदसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाई और बहनों के साथ होता रहे। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा ने आपको बरकत दे। और जाने से कबल मैं आप सब लोगों की याद दहानी के लिए कहना चाहता हूँ कि ज़रूर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आप सब लोगों को नोटिफिकेशन जो डिवोशन के हैं वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना ना भूलें। खुदा ने आपको सलामत रखे। कल फिर मुलाकात होगी एक नए ख्याल एक नई सोच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा आपको महफूज रखे। आमीन।